शेखुपुरा में मोटरवे पर धुंध के बाइस 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी। डिफेंस कराची में खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों, इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए और फेडरल मिनिस्टर। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। लोगों ने इमरान खान को एहतसाब के लिए वोट दिया। करप्शन का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। शेख रशीद ने करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद में इमरान खान का साथ देने का वादा दोहरा दिया। कहा, चेयरमैन पीएसी झंडा लगाकर अदालत जाएगा तो जज को उसका इस्तकबाल करना पड़ेगा। उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान रेलवे कामयाबी के सफर पर गामजन। शेख रशीद ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन 26 घंटे में पेशावर से कराची पहुंचेगी। किराया 1350 मुकर्रर, बर्थ के साथ किराया 1450 रुपए होगा। शेख रशीद कहते हैं, रेलवे की जमीन से कब्जा माफिया को हटाएंगे, बासर अफराद को नेस्तो नाबूद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पख्तूनख्वा के 22 अजला में 334 नशिस्तों पर मुकाबले। सिंध में 65 नशिस्तों के लिए 5,00,000 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची की 22 नशिस्तों पर पोलिंग। मौसमियाती तब्दीली के असरात, ग्लेशियर्स सिरकने और पिघलने से हुंजा के कई इलाकों को खतरात लाहक हो गए। महकमा मौसमियात की टीम का इलाके का दौरा, नई झील बनने का इम्कान। जेरे तामीर 2 पनबिजली घर, शाहराए कराकरम पर पुल और रिहायशी इलाके भी जेरे आब आने का खदशा।